नहीं नहीं यहाँ पर आए आप हमारे सीनियर हैं आप तैयार हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम نحمده ونصلي على رسوله الكريم पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनाकद हुआ। जूम पर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान और जनाब महमूद खान अचकज़ई शरीक हुए। एक तवील अरसे के बाद पीडीएम का इजलास हुआ है सरबराही, और मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया गया। लेकिन आपको ये बता दूँ कि पीडीएम का इजलास अभी जारी है और चंद रोज़ मज़ीद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दूसरी तमाम जमातें भी शरीक होंगी और सियासी सूरत हाल पर उनकी राय लेकर एक मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका राय कायम की जाएगी। आज के इजलास में इस बात को वाज़ह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। इलेक्शन होंगे वक्त पर, आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। हम उनके झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। सुबह कुछ बोलता है तो शाम को कुछ बोलता है, कौम को गुमराह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, और समझता है कि झूठ के असास पर पाकिस्तान की सियासत ऊपर जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को बचाएंगे, इसके मुस्तकबिल को बचाएंगे, इसके इक्तिसाद को बेहतर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, और इंशाअल्लाह हम कौम को इत्मीनान दिलाएंगे कि मुल्क की मईशत इस हद तक ख़राब होने के बाद किस तरह बहाल की जाती है। करारदादें आज के इजलास में हुई हैं, तो इस हवाले से जो करारदाद का मतन है मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। पीडीएम के सरबराही इजलास में जुमरात को यानी आज का दिन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करदा करारदाद में वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि इजलास
ये करार देता है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मुकन्ना इंतजामिया और अदलिया के इदारों को रियासती इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। आईन में वाज़ह तौर पर इदारे की जिम्मेदारी और उसका दायरा-ए-कार मुतय्यन किया गया है। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और न ही किसी दूसरे इदारे की जिम्मेदारी को खुद सर अंजाम दे सकता है। इजलास की मुत्तफ़िका राय है कि आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरातफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है। फैसला देने वाली अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 3 जज साहिबान की अक्सरियती राय से इख्तलाफ करते हुए फैसले को आईन में इजाफा करार दिया है। मुल्क की नुमाइंदा सियासी और जमहूरी जमातों ने इस पर अपनी बेचैनी और तहफ़ुज़ात का इजहार किया है क्योंकि अदालत उज़्मा के फैसले में तशरीह के दस्तूरी हक से तजावज़ किया गया है, जिससे न सिर्फ एक आईनी और सियासी बहरान पैदा हुआ बल्कि इसके नतीजे में मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी जन्म लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान भर के नुमाइंदा वकला तंजीमों, नामवर कानूनदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है और उसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इनहराफ और तजावज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाजुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आयूनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईन, कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मजीद किसी ताखीर के बगैर सार्ज करे। इस ताखीर में तशवीश का पहलू यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानेदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तजिए से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकजी दफ्तर के मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स के जरिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहद मुतकाजी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताखीर ने मुल्क में लाकानूनीत को फरोग दिया है और इदारों की कमजोरी का तासर मजबूत हो रहा है। यह सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं, इसलिए जरूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुतालक
इस अहम मुकदमे में फैसला सादर करके आईन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फौरन और ममनू गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आईन और कानून को मजाक बना रखा है, और इससे ये तासर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने खुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी जरूरी है ताकि यह साबित हो सके कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे हैं। ये दो करारदादे हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाकों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हजारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आज के इजलास ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्जे माफ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाए। बहुत शुक्रिया हजरात के जनाब वाला। जनाब वाला हमारी बारी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खालिद साहब आप बात करें, ऐसे नहीं, खालिद साहब बात करें। लघु लघु गैर अकली कोई मुतालबा हम उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने हदूद में रहे बस। देखिए मैं गुजारिश करूं आपसे, हम इनकी इनके पावर को समझते हैं, सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगंडे का दारोमदार है, एक झूठी खबर के पीछे 1000 लाइक्स फेक्स डाल देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये आवाम की आवाज है, हम आवाम की आवाज को जानते हैं, हम आवाम की आवाज में रहते हैं और हम इनके ये जो छोटी मोटी तितलियां मितलियां आगे पीछे होती हैं इनके कोई हैसियत नहीं है, मजबूती से और संजीदगी के साथ बड़े खुद एतमादी के साथ हम फैसले करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उस्मान, एक मिनट में दे रही हूं जी। उस्मान मौलाना साहब, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले, उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके ऊपर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले, हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है जिस तरह इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हुए हैं और वो एक दो दिन के में सामने आ रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े जराइम, ये जुर्म का मगरमच्छ है, इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं जो कानून से अपने आप को बालातर समझता है, अब इसके गिरेबान में हाथ पड़ेगा। और ऐसा आसान नहीं है कि वो इन चीजों को हजम करेगा। कभी कहता है जी अमरीका ने मुझे हटाया है, अमरीका तो तुम्हें लाया था, और आपके घर का मकान का E7 में किराया 8-9 साल तक देता रहा है, और जिसने ये बात कही है वो कहते मैं अदालत में जाने के तैयार हूं उनके साथ। जी जी हाफिज साहब, मैं गुजारिश करूं आपसे, हमने इस हुकूमत को हटाने से 1 साल पहले जलसों में कहा था, मैंने खुद कहा था कि मसला जो माशी बहरान पैदा हुआ है यह बड़ा चैलेंज नहीं है, मुल्क को दोबारा माशी तौर पर उठाना यह बड़ा चैलेंज होगा, और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हो रही हैं। और हम आज, मैं कम से कम आप समझेंगे कि शायद वो अपने अंदर की कमजोरी बता रहा है, लेकिन अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निजाम के तसलसल हैं, इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फौरन इलाज होना चाहिए। मौलाना ये बताएं कि
एक तो आपने कहा कि पीडीएम का इजलास जारी रहेगा और उसमें दीगर जमातें भी शरीक होंगी, क्या आप पीपल्स पार्टी को वापस पीडीएम में शामिल कर रहे हैं और दीगर जो इतिहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको भी शामिल कर रहे हैं? एक तो ये मेरा सवाल है और दूसरा ये बता दें क्या आप भी कोई सिस्टम में मुदाखलत हो रही है, क्योंकि अब तक तो यही मौका पर आया कि सब न्यूट्रल हैं, क्या मुदाखलत? आपने जो बात कही है मैं उसका जरा एक और पहलू से जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सरदस यही फैसला हुआ है कि अगला इजलास जो हमारा होगा उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन सारे शामिल होंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि मुल्की मईशत से बराह रास्त जिन महकमों का ताल्लुक है उनको फौरन हिदायत दी जा रही हैं कि वो मंगल को और बुध को हमें ब्रीफिंग दें और अपनी कारकर्दगी हमें बताएं ताकि हम उन पर उनकी मजीद आगे रहनुमाई कर सकें। मतलब उनके पास क्या बयानिया है? झूठ बोलना बस ये बयानिया है? गलत बात कह देना ये बयानिया है? है ना, खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं, इल्जाम लगा देना तो बस ये बयानिया है? लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोजमर्रा के इल्जाम तराशी की सियासत, इसके बुनियाद में कोई नजरिया नहीं हुआ करता और ये बैसाखी पता नहीं कहां से कोई बैसाखी मिलती है उनको। जी बहुत शुक्रिया। अब माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ इसको? जी आ रही आवाज़? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी फैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो जाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज्जिज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फैसला करना वो मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई खराबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं बैठें चैलेंज करें। लेकिन देखें जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फर्क फैसला दिया और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती, ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें फैसले में लिखा, मैं एक एक्सेप्ट पढ़ के सुनाती हूं कौम को। थर्डली इफ अ जज हैज अनकॉन्शियसली फॉलोड एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ लॉ, ही हैज बाय कॉन्शियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड द फ्रीडम टू अडॉप्ट द करेक्ट व्यू ऑफ लॉ सबसीक्वेंटली। यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसका उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को उसकी तसहीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तसहीह की तो भी लाडले के हक में, ये कैसी तसहीह है भाई, और वो कैसी गलती थी। और फिर आप ये देखें हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में, ये है गलती और ये है उस गलती की तसहीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तसहीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया,
पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके बाद तस्दीक करनी थी तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्दीक करते हो। सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्दीक करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्दीक आपने करनी थी तो आप जो शौकत अजीज सदीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा, वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्दीक करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्दीक करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफी ना मांगते नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर, दूरबीने लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं, लेकिन आपने वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती को बरकरार रखा। बल्कि बजाय इसके कि तस्दीक करते आप ज्यादती दर ज्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती की, वो भी सुन लें। पहले जब नवाज शरीफ जमात का सरबराह है और अगर उसका कोई मुकदमा आता है अदालत में तो अदालत ये तावीलें देती रहती है, जस्टिफिकेशंस देती रहती है कि अदालती पार्टी का सरबराह या पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। और जब लाडले की बारी आती है तो चंद हफ्तों के बाद ही आप कहते हैं कि पार्टी हेड कुछ नहीं होता, जो होता है वो पार्लिमानी पार्टी होती है। ये इस किस्म की बातें तो कोई बच्चे भी नहीं करते आजकल, बहुत हैरान कुन। मैं ऑनेस्टली जब ये फैसला आया तो मैं ये दिल में सोच रही थी कि चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ। हमें तो आदत हो गई है इस किस्म के फैसलों की, हमारा तो वोट बेस भी चार्ज हो जाता है, हमारा वर्कर खड़ा हो जाता है, हमें फायदा होता है, लेकिन किसको नुकसान हुआ। मैंने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कोई तौहीन अदालत इदारे के अंदर से नहीं, बाहर से नहीं होती। मैं इदारे की तौहीन नहीं कर सकती, मौलाना साहब नहीं कर सकते, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है जब इस किस्म के फैसले आते हैं। फिर उसके बाद अदालत का काम है आईन की तशरीह करना, आईन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आईन साजी करनी है जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वजीर आला और वज़ीरे आज़म आपने मुकर्रर करने हैं तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। अब कुछ भी आप कर लें, परवेज इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वजीर आला कहलाएंगे। वो अदालती वजीर आला है, उसकी वजह यह है, एक तो उनके 10 वोट हैं और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, उनको वजारत आला हमजा से छीन कर ट्रे में रखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 मेंबर बेंच ने दी है। ये अनायत जो उन पर हुई है वजारत आला की, ये 3 मेंबर बेंच की देन है। और फिर आईन की तशरीह आप चेहरे देखकर और पार्टियां देखकर और पार्टी हेड देखकर बदलते हैं। नवाज शरीफ हो तो आईन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आईन की तशरीह भी बदल जाती है, आईन का हुलिया भी बदल जाता है। ये है आपका इंसाफ? और जिस आईन को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया, अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया, उस आईन को एक 3 मेंबर बेंच जो कि खुद कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर फैसले में शामिल होता है और जानबूझ के उसी बेंच को लाया जाता है जो खुद कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, आप उस बेंच के जरिए आप पाकिस्तान के आईन को अदालत से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उस आईन की आप धज्जियां उड़ा देते। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले
हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम उस आईन के रखवाले हैं, अगर ताला लगाना है तो लगाएं फिर पार्लियामेंट को। और फिर डेप्यूटी स्पीकर अगर मुस्लिम लीग नून का हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में कटहरे में बुलाकर खड़ा भी किया जाएगा, उसकी रूलिंग भी गलत करार दे दी जाएगी। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अगर इमरान खान साहब का हो तो अदालत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बल्कि अदालत कासिम सूरी को जालसाजी करने के ऊपर 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है। यह है तफरीक, यह है डिस्क्रिमिनेशन, यह है अदालती जिसको कहते हैं नाइंसाफी। फिर आप फॉरेन फंडिंग केस पे अभी मौलाना साहब ने करारदाद आपको पढ़ के सुनाई जो कि पीडीएम की जमातों ने पास की है। पाकिस्तान में एक ही चीज महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से महफूज है, एक ही चीज महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। 8 साल की ताखीर, सोचे हमारे लिए, मतलब मैं और नवाज शरीफ साहब जिसके नतीजे में इकामा निकलना था, बाप और बेटी 10 महीने रोज, समटाइम्स 5 डेज अ वीक, समटाइम्स 6 डेज अ वीक जज बशीर की नायब अदालत में इस्लामाबाद जाते रहे। मैं और नवाज शरीफ साहब सुबह 4:30 बजे लाहौर से निकलते थे और 8:30 बजे अदालत पहुंचते थे रोज बिला नागा 8-10 महीने, जबकि मेरी मां बीमार थी और डेथ बेड पे पड़ी थी। और ये 8 साल से इसमें ताखीर हो रही है, झूठ पर झूठ बोला जाता रहा, 7.5 मिलियन डॉलर की ममनुआ फंडिंग ली, 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली जिसमें भारतीय और इसराइली शहरी शामिल हैं। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक्य है। आप सिर्फ, मैं यहां क्योंकि मौलाना साहब खड़े हैं, मैं अपनी बात चले छोड़ दें, अगर मैं मौलाना साहब की बात करूं, खुदा ना खास्ता मौलाना साहब ने ये फंडिंग इसराइल से और भारत से ली होती और पाकिस्तान की और दुनिया भर की 350 कंपनी से ममनुआ जाली तरीके से, पता नहीं वो कैसा पैसा था जो आया था, डॉलर्स में आया था, वो ली होती तो क्या हमारे साथ यही बर्ताव होता जो अब हो रहा है? इसकी जगह नवाज शरीफ साहब होते, मैं होती तो क्या होता? वो ऐसा सलूक होता कि सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी इकामा था तो आज तक सजा पे सजा, आज तक इकामा भी, इकामे पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया और फिर वहां पर दिल को तसल्ली नहीं हुई, उनकी प्रेसिडेंटशिप पार्टी की भी छीन ली क्योंकि उस वक्त पार्टी सदारत ही सब कुछ हुआ करती थी। अब तो सुना है कि पार्लियामानी पार्टी मोतबर हो गई है। फिर हर साल ईसीपी से झूठ बोलता रहा, झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराता रहा, झूठी डिक्लेरेशंस जमा कराता रहा, अपने गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाए, मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगवाता रहा, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवाता रहा खुफिया तरीके से। और फिर जब ईसीपी ने सवाल किया तो कहा अपने चंद लोगों के नाम लेकर पार्टी के उनके सीनियर मेंबरान है उन पर डाल दिया सारा कुछ। हालांकि गजब खुदा का कि सारे जो काम हुए हुए फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हुए, उसके दस्तखत है मौजूद, किस तरह वो इससे आंख चुरा सकता है या किस तरह मजलूम बन सकता है? मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूं कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। एक एक गबन, एक एक गद्दारी जो इसने पाकिस्तान की कौम में के साथ फॉरेन फंडिंग की सूरत में की हुई है, वो एक एक जो उसका सारे हकायक हैं वो कौम के सामने लाए जाएं और बिला ताखीर लाए जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक बुली से ज्यादा की नहीं है। वो ईसीपी चेयरमैन जिसको इसने खुद अपॉइंट किया, ये जो क्या नाम है ईसीपी चेयरमैन का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो इमरान खान के अपने अपॉइंटेड हैं और पहले उनकी दिन रात तारीफें हुआ करती थी,
तो ये जो बुली है इमरान खान, इसकी हैसियत एक बुली से ज्यादा नहीं है। हर इसमें वो ट्रेट मौजूद है जो एक बुली का होता है। और आप ये देखें कि जब इसको किसी चीज का खौफ होता है, क्योंकि इसने वो गुनाह किया होता है, तो ये उस अदारे के सरबराह को अटैक करता है। पहले से ये उसको पता था कि फॉरेन फंडिंग की अब फाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है। तो आप देखें किस तरह उसने ये अटैक जो है वो ईसीपी के चेयरमैन के ऊपर लॉन्च किया। उसकी वजह यह है कि चोरी की हुई है, चोरी से हाथ रंगे हुए हैं, गलत काम किए हुए हैं। वो जो ममनुआ फंडिंग आई है वो कहां खर्च हुई है, इसका हिसाब तो बाद में होगा। वो इस पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंकने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में साजिशों को पनपने के लिए वो फंडिंग खर्च हुई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। ये नहीं होगा, ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। जी, 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 एक मिनट, जी, एक मिनट भाई, उनको देखिए, मैंने अभी कह दिया कि चौधरी परवेज अलाई की हैसियत एक अदालती वजीर आला से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और 10 मेंबर्स का कोई खास नहीं होता, 10 मेंबर्स उधर जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी है तो वो हमें इंशाल्लाह ताला ज्यादा बेहतर आती है। लेकिन जो आपने मफामती और मुजामती की बात की, वो जरा सुन ले कि अगर आपके साथ जुल्म होगा, अगर आपके साथ ज्यादती होगी, अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, अगर कौमी इदारे इमरान खान के लिए इदारों के वकार को स्टेक पे लगाएंगे बल्कि कुर्बान करेंगे, तो हमारा फर्ज है उसके लिए मुजाहमत करें। ये हमारी जात का मकसद नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी एजेंडा है, कौमी मकसद है। इसमें ये खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, मुजाहमत करनी ही पड़ेगी। ये जब जुल्म होता है, जुल्म को सहना जुल्म से बड़ा जुल्म है। जी एक सेकेंड, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि उसकी तरदीद आ गई है जमात की तरफ से। पंजाब की सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली क्या पीडीएम कर रही है, क्या तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है? वो जब हम वहां तक आएंगे तो आपको इतला करेंगे। आखिरी सवाल जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अटक पार से मुदाखलत हो रही है और आज जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें जो 5 जजेज हैं उनको आज उसके मुस्तरद कर दिया गया है से, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जस्टिस कादिर पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ मिलकर ये सारा किया है। ये बताइएगा, ये जो सारा फैसला है इसके पीछे कोई मुदाखलत तो नहीं है, कोई बैक डोर? देखिए, आपने बात की कि वो 5-4 से जो फैसला आया है, मुझे खुशी है इस बात की कि वो जो एक एंटी PMLN ग्रुप बनाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको आज शिकस्त हुई है। वो किसी अगर पार्टी को प्रमोट करना चाहते थे, किसी के खिलाफ एक ग्रुप बनाना चाहते थे, मुझे खुशी है कि वो रिजेक्ट हुआ आज। जी बस आखिरी सवाल प्लीज। जी खालिद साहब, जी देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है कि उठा के निशाना बना देना। हम लोग हैं अभी, और ये जो हुकूमत अदालत की वजह से वजीर आला जो अदालत के ये बने हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम की कुव्वत से ये इनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।